सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज हम लोग जो हैं गणपति पापा के लिए सारी डेकोरेशन करेंगे। तो अभी मैं नाश्ता लेकर आ गई हूँ और ये स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल से आ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। भैया वगैरह सबको बुला लेंगे और फिर करेंगे सारी डेकोरेशन। तो अभी फटाफट से पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद बाकी काम कर लेते हैं, फिर शाम की तैयारी करते हैं। और मैं आज सोच रही हूँ कि पापा को देख भी आऊँ जाकर, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कल सुबह सुबह लाना होगा, तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत लेट हो जाएगा फिर। ओके रेडी, आओ, आप ही के लिए मैंने गेट खोला। तो दोस्तों, हमने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये देखते ही मुझे हंसने लगे। नहीं, आपने ज़्यादा ही मैच पुलिस वाले लग रहा है। आपने ज़्यादा मैचिंग कर ली पर अभी तो आपने जैसे बेल्ट लगा लिया, पहले बेल्ट नहीं लगाई थी तो बिल्कुल ऊपर से जैसे सेम लग रहे थे। सही है, अभी अभी इनका फ़ोन आया, इन्होंने पापा जो हैं वो देख लिए हैं, मुझे भी दिखा दिए हैं और सच में इतना अच्छा लगा ना, मतलब आप मेरे चेहरे से समझ सकते हो कि मुझे कितनी खुशी हुई, क्योंकि मुझे यही लग रहा, वैसे एक दिन पहले ले आते हैं पर आज ट्यूसडे था तो आज लाए नहीं जाते, तो इस वजह से मुझे ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो सुबह, पता नहीं क्या हो, कैसा क्या रहे, एकदम से सुबह मैं क्या करूँगी अगर जल्दी हम लोग गए लेने के लिए नहीं मिले, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये था मेरे दिमाग में टेंशन। लेकिन फाइनली वो सब सॉल्व हो चुकी है और मैंने पापा देख लिए हैं जो हमारे घर आने वाले हैं, तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है इस वजह से। इन्होंने मुझे फ़ोन करके भी दिखा दिए, मतलब वीडियो कॉल पे भी दिखा दिए और वैसे फ़ोटो भी भेज दिए, और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बस कल हम लोग ले आएंगे पापा को और इन्होंने बुकिंग वगैरह सब कर दी है, तो सबसे जो मेन चीज़ है वो हो चुकी है। गाइस, मैं तो नहा ली हूँ और आज सफाई वगैरह सब करनी थी क्योंकि पापा घर पे आ रहे हैं, तो मुझे वो भी सब तैयारी करने थी, तो फ्रिज वगैरह जो सब क्लीन करना होता है ना, और जहाँ पे हम डेकोरेशन करने वाले हैं वहाँ पर, तो वो सब तैयारी हो चुकी है। और अचानक ही जो है बारिश शुरू हो गई, मुझे लगा पता नहीं कैसे आवाज़ें आ रही पानी की, फिर देखा तो बारिश शुरू हो गई। सो ये भी आने वाले हैं, मौसम भी बढ़िया हो गया है, बस उसके बाद में खाना पीना खाकर फिर भैया लोग भी आ जाएंगे, फिर हम लोग तैयारी करते हैं और बस। गाइस, 3 बज गया है और ये घर पर आ गए हैं, और ये जो है पापा भी बुक कर आए हैं ना, हाँ, और इन्होंने वीडियो भी बनाई है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, और बाकी कल तो हम लेने ही चलेंगे। अभी हम लोग जो है खाना खा चुके हैं, आज मम्मी ने कढ़ी बनाई थी बहुत बढ़िया, तो कढ़ी चावल खाए हम लोगों ने और रोटी और बाकी सब चीज़ें, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर 4 बजे से करेंगे सारी तैयारी, भैया भी आने वाले हैं तो वो भी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मेहनती भैया जो हैं वो आ गए हैं तैयारी कराने के लिए। लाइट नहीं आ रही ना, हरिया हो चुकी है शुरू, मानसिंह भैया लग गए काम पर, और बाकी अतुल भैया कैलाश भैया गए हैं, कहाँ गए, हाँ सामान थोड़ा रह गया था माला वगैरह वो लेने के लिए। अभी तक है कुछ बैकग्राउंड ऐसा लग रहा है, अभी देखते हैं और क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। हमारे दोनों भैया सामान लेकर, बताओ कैसा लग रहा है? अरे वाह, माला मिली, क्या नहीं मिली? व्हाइट वाली माला, केला पत्ता ले जा रहा है। केले पत्ते अभी ले आना, रुक के, या अभी कहाँ से लाओगे? चलो तो ले आओ, तो ले आओ। ये बताओ कैसा लग रहा है? वो ये देखिए भाई, केले के पत्ते लेकर आ गए हमारे अतुल भैया और कैलाश भैया। हल्दी के पत्ते, हल्दी के, झूठ मत बोलो। अरे झूठ नहीं, सच्ची भाई। हाँ, हल्दी के पत्ते ऐसे होते ही नहीं है, केले के पत्ते है। हाँ, एकदम फ्रेश पत्ते लेकर आए हैं, बढ़िया आ गए आ गए। इतना काम जो है वो गाइस हो चुका है, और मेन जो है इसके बाद जब लाइटिंग लगेगी तब जो है पूरा ग्रेस आएगा, और उसके बाद में फाइनली जब पापा इस पे विराजमान होंगे ना, तब जो खूबसूरती बढ़ेगी वो अलग ही है। देखो भाई, इतना हम लोगों का हो गया है पूरा, अब इसमें जो है बैलून लगाने के बाकी हैं, और मुझे लग रहा है एक भैया नीचे लाइट हो रही है, एक और मंगवानी पड़ेगी, कुछ कम लग रही है ना,
फिलहाल लगा अच्छा रहा है ना। अब तक सारी तैयारी हो चुकी है, अब चलते हैं चाय और नमकीन, चाय और बिस्किट नमकीन का। वो कहते कितना प्यारा लग रहा है, अभी पूरा जो है फुल कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाएंगे आपको। तब तक चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं। देखो गाइस हम लोग, कितना टाइम हो रहा है, 7 बजने वाला है, हम लोग पी रहे हैं चाय। हाँ अभी बस गुब्बारे फुलाने के लिए रह गए वो करने, और ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये सो रहे हैं अभी मतलब उठ गए हैं, आने वाले हैं थोड़ी देर में। ये आ गए हैं और आते आते हम सबकी बेइज्जती कर दी है। बेइज्जती नहीं, हम पूछ रहे हैं लक कैसी रही अभी। अभी नहीं, चलो बाद में बताना, लाइट आइट जला के दिखाएंगे। काम के सराहना नहीं की इन्होंने, अब बेइज्जती कर दी। इतनी देर कैसे लग गई, 2 घंटे? 2 घंटे बस इतना ही कर पाए, लेट लेट करते। चाय नाश्ता करके हम लोग आ गए हैं बैलून फुलाने के लिए, क्योंकि एक वही काम बचा था। लेकिन आपको पूरा जो वो है वो आज नहीं दिखाएंगे, वरना क्रेज चला जाएगा, तो वो आपको दिखाएंगे कल। बाकी अभी हम लोग देख रहे हो यही चलता रहे तभी हम लोग इतनी देर लग जाती है। हंसी मजाक ज्यादा, नौटंकी ज्यादा हो जाती है। तो गाइस टाइम हो गया, 9 बज गया है, हम लोग 4 बजे से शायद लगे थे, और अब जाके सब कंप्लीट हो पाया है। पर बहुत अच्छा लग रहा है, और थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए मैं सबसे पहले फ्रेश होकर आई। मैंने सोचा नहा लेते, दोबारा नहा कर आई, क्योंकि गर्मी गर्मी इतनी लगने लगी ना कि अच्छा नहीं लग रहा था एकदम। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसा सब हुआ है। सही से चिपक नहीं रहा तो उसे निकल जा रहा है, और फैन भी अभी चल रहा है, और पता नहीं रात भर कितने निकलेंगे, तो अभी निकल जाने देते हैं इन्हें। और सुबह ही अब जितने होंगे वो मैं एंड बिल्कुल टाइम पर लगाऊंगी, तो अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते। भैया लोग भी सब चले गए, सब बहुत थक गए थे, तो सुबह की तैयारी करेंगे। बाकी सब पूजा का सामान भी आ गया है। सुबह अब सब और थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी अच्छे से हो जाए, और बस अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। इस टाइम हो गया 11 बज गया, और इनका अचानक जो है मैगी खाने का मन करने लगा। और इनकी एक वो है, ये जब भी मैगी बनाते हैं ना कुछ अलग ही टाइप की बनाते हैं, हर बार सेम मैगी नहीं बनाते। तो अभी मैगी बनाई है इन्होंने, और डिफरेंट स्टाइल से है ना, मतलब नॉर्मल उससे अलग बनाई है। खाओ, अच्छी है मैगी, इतनी टेस्टी है कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना वो सब खुल गए। इनके हाथों में स्वाद है अच्छा, ये तो है तो खाते हैं मैगी, इसी बढ़िया मैगी के साथ। सच में इतनी लाजवाब मैगी थी ना कि मन कर रहा था कि नैनीताल चले जाओ और बाहर पहाड़ हो और ठंडक में बैठ के खाओ, इतनी टेस्टी थी सच में। तो मैगी की सब खा ली है, अब जो है इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। गाइस सुबह हमें जाना है पापा को लेने के लिए, घर पे आएंगे हमारे, हम पूजन भी करेंगे, सब कुछ होगा कल। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी देखकर। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, और गाइस कैसी लगी हमारी डेकोरेशन वो भी बताइएगा, और सारी तैयारी वगैरह सब कुछ कैसा लगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।